ये लगान का शूटिंग मैंने आपको कहा जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है कांग्रेस रहता है वो अपने जूते साफ करने के लिए कहता है ना, वो सीन यहाँ का है ये। आप अगर फिर से फिल्म देखेंगे ना, फिर से अगर आप फिल्म देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये टावर भी उसमें पूरा आएगा। इसको क्लॉक टावर बोलते हैं ये। हम लोकल भुज करने वाले हैं, तो ये है वो होटल जहाँ पे हम रुके हैं, होटल ओधाव, जो है नियर देशालसर लेक भुज में। सो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं छतेड़ी गार्डन। ये हमको मतलब इस लोकेशन का हमको किसी एक लोकल ने बताया कि आप यहाँ पे इतनी दूर आए हो तो एक बार देख लो। तो अभी हम आगे जा रहे हैं एंड आपको बताते हैं एग्जैक्टली क्या है ये। सो गाइस, अभी हम अंदर आ चुके हैं छतेड़ी गार्डन के। तो यहाँ पे तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बोर्ड लगे हुए हैं कि ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। इसके अलावा हमें और कुछ इसके बारे में मालूम जहाँ से मिले वैसे कुछ नहीं है। This is definitely a temple. And शायद से इसका कुछ मेंटेनेंस नहीं हो रहा because this place is falling apart slowly. एक जगह पे यहाँ पे बोर्ड लिखा था कि उसके अंदर ना बैठिए and as it may fall down a part of the structure. तो ये रॉक्स जो जो गिरे हैं ये सब यहाँ पे जमा करके रखे हैं। दिस इज द मोस्ट इंटैक्ट स्ट्रक्चर दैट यू सी हियर, क्योंकि ऊपर आप देखोगे इसका जो डोम है इसके ऊपर अभी भी जो पेंट किया था वो है, और ये जो स्क्वायर स्ट्रक्चर्स है इस पे भी जो चरण होते हैं ना पादुका वो सब है आप देख सकते हो। तो अभी हम जो सबसे बड़ा इसका स्ट्रक्चर है उसके अंदर जा रहे हैं। तो गाइस, जैसे मैं बोल रहा था कि ऐसा है, इसे अगर अपने पुराने ग्लोरी में लेके आए तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है, क्योंकि ये आप जो देख रहे हो ये नया स्ट्रक्चर है जो ओल्ड फाउंडेशन पे बनाया जा रहा है, इवन दिस वन, और वो जो आपको सामने दिख रहा है वो भी। तो दिस इज़ द वन जो बोर्ड पर रेफर कर रहे थे, इसमें टर्किश आर्किटेक्चर है क्योंकि इसका ऊपर का जो डोम है जो कलरफुल टाइल्स है जिससे ये बनाया गया है। अभी जो काम चलता है काफ़ी मशीन्स वगैरह यूज़ होती है। जस्ट इमेजिन जब ये पुराना जो स्ट्रक्चर बन रहा था तो जो कारागिर जो काम कर रहे थे, जिन लोगों ने बनाया, इतनी फाइन तरीके से जो बनाया कि आप एक डिज़ाइन और उसके पास में दूसरी डिजाइन उसमें आप फर्क ही नहीं पाओगे, टिट्टो एग्जैक्टली द सेम।
तो गाइस अभी हम छतेड़ी गार्डन के बाहर आ चुके हैं और यहाँ से हम जाएंगे आईना महल जो एक लोकल अट्रैक्शन है भुज में। तो चलो फिर आप मिलते हैं आपको आईना महल में। सो गाइस अभी हम आईना महल देखकर निकल चुके हैं, अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है इसके लिए हमने अंदर शूट नहीं किया। तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स ऑल अबाउट द महाराजा ऑफ द कच्छ, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कुछ आर्टिफैक्ट्स है, पुराने आर्टिफैक्ट्स है, स्टैचूज है जो वो इस्तेमाल करते थे, वो चीज़ें हैं। तो अभी हम यहाँ से आगे चलते हैं। सो गाइस मैं अभी आपको आईना महल के आसपास का एरिया दिखाता हूँ। द पैलेस इज स्टिल देयर, स्टिल इंटैक्ट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग जो है जहाँ पे आईना महल है। द एंट्री टिकट टू द आईना महल इज 20 rupees। तो गाइस जस्ट अपोजिट जो नया महल है, मतलब दिस इंटैक्ट स्ट्रक्चर जो है, इसके बराबर सामने ये पुराना महल का स्ट्रक्चर है जो थोड़ा डिप्लीटेड कंडीशन में है, बट देन इट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल। गाइस ये पुराने महल का हिस्सा है। ये अभी भी एक प्राइवेटली ओन्ड पैलेस है। इस पैलेस का नाम है पराग महल। तो हमें एक दोस्त मिले हैं जो पढ़ रहे हैं और पार्ट टाइम यहाँ पे एज अ टूरिस्ट गाइड भी है, तो ये हमको इस महल के बारे में बताएंगे। मेरा नाम अमित है, अमित गणेश रामजी पिपलोदिया। ये जो प्राग महल आप देख रहे हैं, प्राग महल जो देख रहे हैं ना, यस, ये 180 इयर्स ओल्ड है। कितना इसको बनाया गया था, और प्रागमल जी जो यहाँ के राजा थे, प्रागमल जी वन ने इसको बनवाया था। और इसको जो बनाने वाला आर्किटेक्ट था ना, वो इटालियन था, ओके। जिसको अगर आप अंदर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा अपन किसी चर्च में आ गए हो। इसको मतलब गॉथिक स्टाइल में बनाया गया, गॉथिक स्टाइल समझते उसमें। और अगर अंदर आप देखेंगे तो कई सारे ग्रीक पुतले भी लगे हुए हैं, ग्रीक माइथोलॉजिकल स्टोरीज की जो पेंटिंग्स रहती वो लगी हुई है अंदर। कार्विंग्स जो है ना, इवन वो भी मतलब अपन को ऐसा लगे यार अपन यूरोप के किसी कैसल या किसी महल में आ गए हो, ऐसा अपन को फील रहता है। और यहाँ पे कई सारी मूवीज की शूटिंग हो चुकी है, जैसे आपने देखा होगा लगान फिल्म, अगर आपने लगान फिल्म देखी उसमें एक सीन रहता है कि आमिर खान जो खुद राजा के दरबार में जाकर इसमें अंदर दरबार हॉल है वहाँ पे जाता है, और मतलब केवल शूटिंग हुई है। तो वो राजा के पास आकर वो विनंती करता है कि भाई हमारा कर जो है, टैक्स जो है, वो थोड़ा कम कर दीजिए, रिड्यूस कर दीजिए। उसके लिए जो प्ली करने आता है ना, वो बिल्कुल इसी महल का शूटिंग है अंदर। लगान का शूटिंग मैंने आपको कहा, जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है कांग्रेस रहता है, वो अपने जूते साफ करने के लिए कहता है ना, वो सीन यहाँ का है। आप अगर फिर से फिल्म देखेंगे ना, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये टावर भी उसमें पूरा आएगा। इसको क्लॉक टावर बोलते हैं, ये वहाँ से पूरा भूज दिखाई देता है। और ये तोपे जो है ना, इस तोपे को उस सीन में हटा दिया जाता है, बाकी यहाँ पे वो अंग्रेज रहता है। आप फिर से देखिएगा पता चल जाएगा। ये जो लेडीज जा रही है, आहिर वुमेन्स बोला जाता है इनको। मतलब कच्छ में 16 जातियाँ रहती है, 16 ट्राइब्स रहती हैं यहाँ की जो नेटिव्स है, इसमें से आहिर है, पठान है। वैसे जैसे यहाँ पर कई सारे मतलब मुस्लिम्स भी जो इवन 1000 सेंचुरी में आ गए थे, वो सब भी यहाँ पे अभी नेटिव हो गए। जैसे वो पठान और ये सब उनको कहा जाता है, जत जो ट्राइब है वो। फिर यहाँ पे जो बांधनी वर्क करने वाले अलग अलग लोग रहते हैं, यहाँ पे सारा हैंडलूम से बनाया जाता है यहाँ पे इवन आज के ज़माने में। और कच्छ इतना समृद्ध है कि जो एशिया का सबसे रिचेस्ट विलेज है ना, वो कच्छ में ही माधापुर जो विलेज है, वहाँ लगभग हर मेजर बैंक, जो भी बड़ी बड़ी बैंक है, सबकी ब्रांचेस यहाँ पे। और जो इसके पहले जो नंबर 1 थे ना, नंबर 1 विलेजेस, रिचेस्ट विलेजेस, वो भी यहीं के थे, केरा और बड़ौदिया। तो अभी वो जो विलेजेस है वो नंबर 2 पे आ गए, और उसके पास वाले गांव ने इसको टक्कर दे दिए। वो केरा और बड़ौदिया ऐसे थे, एक इंडिविजुअल के पास, एक प्रत्येक व्यक्ति के पास 100-200 ट्रकें थी।
इतने रिच है सर। ये मादापुर ये वही विलेज है ना जहाँ की औरतों ने ये एयरस्ट्रिप बनाया था। यस यस यस, आप सही पहचाने। जो भुज अभी फिल्म आई है भुज मूवी जो अजय देवगन की है, तो वो भुज मूवी पूरी इसी शहर पे बेस्ड है। उसमें ऐसा हुआ था जब पाकिस्तान वालों ने कच्छ को लेने के लिए बहुत ही प्रयास किए थे, क्योंकि कच्छ में ऐसा है कि यहाँ पे BSF भी बॉर्डर लगती है, जो लैंड सीमा रेड क्लिफ जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर नेवी भी यहाँ पे, नेवल फोर्स भी है, समुद्र किनारा है इसलिए अरब सागर है इसलिए, और एयरफोर्स है वो तो चाहिए। तो पाकिस्तान वालों ने सोचा था अगर हम कच्छ जीत ले तो अपना बहुत कुछ जीत लेंगे, इसलिए तो उन्होंने ऐसा 85 बम ब्लास्ट किए थे यहाँ पे भुज शहर पे, 85 बम ब्लास्ट किए थे। सो गाइस, ये जो हमारी जो राइड थी कच्छ की, तो दिस इज द लास्ट प्लेस विल बी श्योर वी हैव शोन यू, और अभी हम जा रहे हैं रूम पे, पैकिंग करेंगे एंड देन वी आर ऑल सेट टू स्टार्ट फ्रॉम मुंबई टुमारो इन द मॉर्निंग। मोस्ट प्रोबेबली बाय 6 or 7 इन द मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू।